नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आज मैं भी जो है मौर्य होटल में मौजूद हूं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था महागठबंधन को लेकर। यहां पर तेजस्वी यादव, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के हैं, वो तमाम कांग्रेस के नेता यहां मौजूद थे। लेकिन बीच कॉन्फ्रेंस में ही जैसे ही तेजस्वी यादव ने सारे घटक दलों का जो है सीट उसका बंटवारा तो कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि वो अपने खाते से जो 144 सीटें हैं उसमें से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी और जो जेएमएम की पार्टी है उनको सीट देंगे, इसके बाद लगातार मुकेश सहनी के समर्थक मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। उसके बाद मुकेश सहनी ने कहा कि मेरे अति पिछड़ा होने की वजह से जो है मेरे पीठ में खंजर भुका जा रहा है। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो था, हम लोग इकट्ठा होकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि देश की हालत बहुत ख़राब है। जो सरकार है वो जनविरोधी सरकार है। इस सरकार के रहते धर्मनिरपेक्षता की नीति, जनतंत्र सब खत्म किया जा रहा है। और नीतीश जी जब से भाजपा के साथ गए हैं, नीतीश जी की भी नीतियां वही है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए ये महागठबंधन और वामपंथी ताकत एक साथ मिलकर के चुनाव के मैदान में है और हम लोग भाजपा और जदयू सरकार को यहाँ से। मुकेश सहनी की क्या मांग थी अचानक वो जो है जब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा करने से कहीं ना कहीं महागठबंधन की छवि को गहरा जो है धक्का लगा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी। अब राजद के साथ उनका बातचीत तय है तो ये समस्या तो हल हो जाता बैठ करके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात होना उचित नहीं है। विरोधियों को एक मौका मिला है कि अब वो जो है महागठबंधन पे निशाना साध सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात हो, जब वो आए तो इस तरह की बात होनी ही नहीं चाहिए। हमें लगता है मिल बैठ के कर लिया जाता, हूँ तो बोले भी तेजस्वी जी, तो इसमें धैर्य रखने की जरूरत थी और बातचीत तो हो ही रही थी। कोई अचानक तो वीआईपी महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो है वो उठकर चले गए, तो लगातार जो विरोधी खेमे हैं अब वो आपको लग रहा है महागठबंधन को घेरने की कोशिश करेंगे? हमको लगता है कि अभी भी वो मिल बैठ करके बातें हल हो जाएगी, कोई बड़ी बात। मुकेश सहनी की क्या मांग थी सर? अब ये बातें तो वही बता सकते हैं ना, हम लोग उतना नहीं जानते ना। अच्छा। वही बता सकते हैं ना क्या उनकी असल। इस तरीके से हम जो है सीपीएम नेता अवधेश कुमार जी के साथ थे और वो बता रहे थे कि जो मुकेश सहनी ने किया है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, वो जो है बाद में भी कर सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करने से कहीं ना कहीं महागठबंधन की छवि को जो है गहरा धक्का लगा। मैं को बता दें कि तमाम जो तेजस्वी यादव है उन्होंने बताया कि राजद 144 सीटों पर लड़ने जा रही है, उसके बाद जो है कांग्रेस 70 सीटों पर, प्लस में जो वाल्मीकि नगर का जो लोकसभा सीट है वहां से कांग्रेस लड़ेगी लोकसभा चुनाव, और साथ ही साथ जो सिपाही मालिक 19 सीट दिया गया था, सीपीएम को 4 सीटें और सीपीआई को जो है 6 सीटें दी गई थी।